छतरपुर जिले में मारपीट और फायरिंग के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। इसके अलावा 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते दिन जिले में खुलेआम फायरिंग और मारपीट की घटना हुई थी। घटना के पहले अवैध शराब बेचने वाले पर शराब कंपनी के गुर्गों ने मारपीट की थी, जिस पर पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की थी, जिसके बाद शराब कंपनी के कर्मचारियों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, लेकिन एसपी का दावा है कि अभी जांच चल रही है। यदि इस मामले में और आरोपी निकलते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गढ़ी मलेरा थाना क्षेत्र में कल एक घटना हुई थी, जिसमें शराब के ठेके के मुनीम और उसके साथी के साथ जो घटना हुई थी उसमें फायरिंग भी हुई थी, और उस आधार पर प्रकरण तत्काल पंजीबद्ध किया था। हमारी टीम भी मौके पर पहुंची थी, 7 उसमें से आरोपी थे और हमारी टीम तभी से आरोपियों को गिरफ्तार करने में लगी थी। इस संबंध में एक वायरल वीडियो भी संज्ञान में आया था और उसमें 24 घंटे के अंदर ही हमारी टीम के द्वारा 5 आरोपियों को, जिनके नाम हैं धीरेन्द्र सिंह ठाकुर, सतिन सिंह ठाकुर, पंकज रैकवार, विकास यादव और रूमिल राय, इनको गिरफ्तार किया गया है। और 2 हथियार, अवैध हथियार जिनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था, उनको जब्त किया गया है।